अप्रैल के दिन को पूरे देश संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी सतपाल और भीमाबाई के 14वीं संतान के रूप में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही हमें कहीं और देखने या सुनने को मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही भारतीय संविधान का जिक्र अपने आप ही आ जाता है, जहां सारी दुनिया आमतौर पर उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका के नाते याद करती है या भेदभाव वाली जाति व्यवस्था की प्रखर आलोचना करने और सामाजिक में गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने और महिलाओं के हित कार्य करने वाले अंथक योद्धा थे। अंबेडकर का परिवार मराठी था। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाड वेकर गांव से ताल्लुक रखते थे और महार जाति का होने के कारण अंबेडकर बचपन से ही भेदभाव से ग्रसित रहे। उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका अटूट प्रेम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारंभिक शिक्षा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल करके स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम अर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। देश से जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, असमानता जैसी कुरूपताओं के लिए बाबा साहेब ने कई आंदोलन किए। एक दलित परिवार से ताल्लुक रखने के कारण अपने बचपन से ही कठिनाइयां झेली, जिसका गहरा असर उनके जीवन और व्यक्तित्व पर पड़ा। भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद और महिला शक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। पूरे विश्व में उनके मानवाधिकार आंदोलन और उनकी प्रखर विद्वता का लोहा आज भी माना जाता है। आज भले ही ज्यादातर लोग उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के तौर पर याद करते हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने करियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के तौर पर की थी। उन्होंने 1915 में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। इसी विश्वविद्यालय में 1917 में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की। इतना ही नहीं, इसके कुछ बरस बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां हासिल की। खास बात यह है कि इस दौरान बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल करने के साथ ही अर्थशास्त्र के विषय को अपनी प्रतिभा और क्षमता से लगातार समृद्ध किया और उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम की पुस्तक भी लिखी। बाबा साहेब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है। 6 दिसंबर 1956 में खराब स्वास्थ्य के कारण बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली और देश को अलविदा कहा।